कोरिया का माइंड माइंडसेट ये है, कोरिया में क्लस्टर है। एनीवेज, इससे पहले कि मैं अपनी वीवी की इनकम आपको बताऊं, मैं आपको अपनी इनकम बता देता हूं, अपने काम के बारे में बता देता हूं। 50-54 हज़ार रुपये डेली, दैट्स ह्यूज फॉर मी। तो मैंने कहा मंथली दे रहे होंगे क्योंकि पार्ट टाइम जॉब है। आई वॉज मैं उसी माइंड सेट में था। एंड पता नहीं कंपटीशन क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि कोरियन डॉक्टर इतना कमा सकता है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है आप लोगों के। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ा टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो मुझे हर कोई कमेंट में पूछता है या मेरे लाइव में पूछता है कि भैया आप कितना कमाते हो, हाउ मच डू यू अर्न। एंड ये नहीं पूछता, ये पूछता कि आपकी वाइफ जो कि कोरियन है और जो कि डॉक्टर है वो कितना कमाती है और आप दोनों की इनकम में क्या डिफरेंस है, मतलब किसकी इनकम ज़्यादा है किसकी इनकम कम है। तो मैंने आज ये सोचा कि आज ना एक वीडियो बना के ना बता देता हूँ कि मेरी इनकम कितनी है एज अ इंडियन इन कोरिया और मेरी वाइफ की इनकम कितनी है एज अ कोरियन इन कोरिया, वो भी डॉक्टर। बट इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ। और आज से मैंने डिसाइड किया कि मैं उन कुछ सब्सक्राइबर्स का ना मतलब नाम भी लूँगा जो हमेशा कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सबसे पहले तो है लिखित, वो बंदा मतलब हमेशा ही ऑलवेज रिप्लाई, मतलब वो कभी कभी मुझसे एग्री ना करे, वीडियो पसंद ना आए, लेकिन फिर भी वो हमेशा कमेंट करता है, तो लिखे थैंक यू। दूसरा है खुशी, खुशी गौतम जो है ना, वो मतलब हर बार कमेंट करती है, हर एक वीडियो में कमेंट करती है, ऐसी वीडियो जिसकी नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता उस पर भी कमेंट करती है, तो खुशी थैंक यू। एंड थर्ड है पी वी क्रिएटिव, यू ऑलवेज रिप्लाई। एंड इंस्टाग्राम पर भी पी वी क्रिएटिव मुझे बहुत डीएम करती है, सो थैंक यू पी वी क्रिएटिव। एंड गाइस, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आई एम वेटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। हाँ भाई, एक कोरियन वाइफ की इनकम कितनी और एक इंडियन हस्बैंड की इनकम कितनी है कोरिया में और क्या डिफरेंस है और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बट उससे पहले ना मेरा नया जो चैनल है ब्लॉगिंग का, वो सब्सक्राइब कर दो, जिसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। अभी कुछ दिनों पहले ना मेरी बीवी ना जॉब खत्म हो गई है, मतलब वो रेजिडेंट थी, चार साल जो रेजिडेंट्स के होते हैं वो खत्म हो गया, तो जॉब खत्म हो गई, यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है जो जनवरी में होगा। तो मुझे लगा था कि अब 6-8 महीने तक मेरी बीवी कोई जॉब नहीं करेगी। हम बाली भी गए थे 1 महीने के लिए कि हाँ भाई अब बस हम पढ़ाई करेंगे, मुझे मेरा भी एग्जाम है, मेरी बीवी का भी एग्जाम है। बट जैसे हम बाली से आए, मेरी बीवी ने डिसाइड किया कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी, पार्ट टाइम जॉब। एंड जब पार्ट टाइम जॉब की बात आती है ना, तो ऐसे नहीं होता कोरियन ड्रामा में, हाँ भाई पार्ट टाइम जॉब कहाँ पर, या तो रेस्टोरेंट में एज अ वेटर या फिर कोई CVS मतलब 7-Eleven या GS25 में एज अ यू नो जो वर्कर काम होता है। तो मुझे लगा वो, मैंने कहा आर यू किडिंग, मतलब एक तो डॉक्टर है, एज फैक्टर है, आर यू किडिंग। तो उसने कहा नहीं, वो पार्ट टाइम जॉब करेगी एज अ डॉक्टर इन सम हॉस्पिटल और क्लिनिक। यहाँ से मुझे आया इस वीडियो का आइडिया, क्योंकि जो उसकी इनकम थी ना वो शॉकिंग थी, बहुत शॉकिंग थी। मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि कोरियन डॉक्टर इतना कमा सकता है, बस इतना, आई डिडंट नो दैट। एनीवेज, इससे पहले कि मैं अपनी वीवी की इनकम आपको बताऊं, मैं आपको अपनी इनकम बता देता हूं, अपने काम के बारे में बता देता हूं। मैंने आपको बहुत सारे लाइव में, बहुत सारे वीडियोस में बताया कि भाई कोरिया में फिलहाल मेरा कोई काम नहीं है, मेरा जो वर्क है, मेरा जो बिजनेस है ना, वो भारत में है, इंडिया। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आपको मैं यहाँ रिप्लाई कर देता हूँ कि भाई कोरिया में फिलहाल मेरा कोई काम नहीं है, वी आर प्लानिंग अ बार पब, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं हम, बट मे बी फ्यू मंथ्स लेटर। तो ये बात क्लियर। सेकेंड, माई इनकम फॉर मी इट्स इनफ, ठीक है, पर ऐसा नहीं है शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, मतलब जितना भी कमाता है इंसान अपने लिए कमाता है, राइट। अभी तसल्ली होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो थोड़ा सा और हिस्ट्री में चले जाते हैं, जब मेरी बीवी ने स्टार्ट किया था मतलब अपना करियर, मतलब जब जॉब नहीं, जब पढ़ाई लिखाई कर रही थी वो MBBS की, तब आई यूज टू अर्न लॉट मोर, मतलब मेरी बीवी से ना ज़्यादा कमाता था। एंड पता नहीं कंपटीशन क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, बट आ रहा तो आ रहा है। एंड जब हम थाईलैंड में मिलते थे, मैं इंडिया रहता था वो कोरिया रहती थी, तो हम थाईलैंड में मिलते थे या यू नो कोरिया में मिलते थे या वो इंडिया आती थी, तो मैं बीवी की टिकट खरीदता था कि हाँ भाई यू नो प्यार है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बट उस टाइम मेरी इनकम थी शायद 4 लाख 5 लाख पर मंथ,
बट अभी क्योंकि मैं इंडिया मतलब कोरिया में 4 साल से कंटिन्यूस हूँ और 9 साल से आता जाता रहा हूँ, तो मेरी इनकम थोड़ी रिड्यूस हुई है। और अभी क्या चल रही है, 1.5 लाख 2 लाख, किसी मंथ में 2.5 लाख और मैक्सिमम 3 लाख मैक्सिमम फिनिश। इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर जाएंगे नहीं। और जब तक मेरी बीबी की रेजिडेंट जॉब चल रही थी मैं उससे ज़्यादा कमा रहा था थोड़ा बहुत, या फिर यू नो भाई ये इनकम हो गई मेरी। मतलब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार आप तो बहुत गरीब हो या आप तो आप ज़्यादा नहीं कमाते, हमारे भैया तो इतने कमाते हैं, हमारे पापा तो इतने कमाते हैं, हम तो इतना कमाते हैं। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी शो ऑफ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ब्रैगिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जस्ट पीपल वॉन्टेड टू नो हाउ मच आई अर्न। सो मैं तो, आप जानते हो मेरा नेचर, मैं तो पानी में आग लगा दूँ, मैं बोल देता हूँ। तो भाई इतना है मेरी इनकम। अब बात करते हैं मेरी बीवी की इनकम। तो भाई मैंने आपको बताया कि मेरी बीवी की जॉब नहीं थी, और मेरी बीवी ने प्लान किया कि हाँ भाई पार्ट टाइम जॉब करनी है, वो चली गई हॉस्पिटल में जॉब के लिए। तो वो जो वहाँ पे जॉब मतलब जो सैलरी स्लैब था ना, वो ये था कि अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम, 5 दिन जॉब करते हो, 10 घंटे की जॉब करते हो, तो आपको मिलेंगे मेरे हिसाब से $1,000। $1,000 मुझे नहीं पता डॉलर का क्या रेट चल रहा, बट लास्ट टाइम आई चेक इट वॉज 90 रुपीज, राइट? तो लगभग 90,000 रुपये एक दिन के आपको मिलेंगे। बट मेरी बीवी को कैसी नहीं, उसको ना ज्यादा पैसों का लालच है नहीं, ठीक है? तो उसने कहा नहीं हम पार्ट हम मतलब 5 दिन वो शी विल नॉट वर्क, क्योंकि उसको स्टडी भी करनी है और उसको फैमिली के साथ भी रहना है। तो शी सेड आई विल ओनली वर्क फॉर 3 डेज। सो 3 दिन का उन्होंने जो है सैलरी जो है फिर रिड्यूस कर दी, और 3 दिन की सैलरी उन्होंने रखी शायद $650 के आसपास, $650 के आसपास। उसके बाद जो कटेगा वटेगा वो अलग ही कटेगा, उसका बाद में देखेंगे, लेकिन $650 के आसपास, मतलब $600 मान लो। तो भाई ये इनकम हो गई मेरी वाइफ की, जो प्लान था। अब मेरी बीवी जो इंटरव्यू के बाद घर आई तो उसने कहा कि हाँ भाई कम पैसा दे रहे हैं। मैंने कहा कितना दे रहे हैं? उसने कहा $650। तो मैंने कहा मंथली दे रहे होंगे क्योंकि पार्ट टाइम जॉब है। आई वॉज मैं उसी माइंड सेट में था, और उसने कहा डेली। मतलब 50,000 रुपये, 50-54,000 रुपये डेली, दैट्स ह्यूज फॉर मी। आई मीन फॉर मी अगर मंथली ऐसा काम होगा तो मेरे हिसाब से कितना हो गया, 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख के आसपास, राइट? 15-16 लाख के आसपास। सो प्रिटी ह्यूज फॉर 15 to 16 thousand, 15 लाख रुपीज फॉर 1 month। बट द पॉइंट इज हम जो रहते हैं ना एक विलेज में रहते हैं, ये जो इसकी पॉकेट मनी जो मतलब ये पॉकेट जो पार्ट टाइम जॉब जो थी वो ज़्यादा हो सकती थी अगर वो हम सियोल में होते या फिर किसी बड़ी सिटी में होते। तो एक ये विलेज है तो यहाँ पे इतना मिल रहा है। और यही बात नहीं है, मेरी बीबी जो है साइकेट्रिस्ट है, जैसे आप लोग जानते हो साइकेट्रिस्ट है वो, तो ये जो जॉब है ना उस जॉब से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ब्रेन सर्जन को बोला जाए कि आप हार्ट सर्जरी करो, एग्जाम्पल है। ऐसा होता नहीं है कोरिया में, कतई नहीं होता। कुछ लोग बोल सकते हैं अरे भैया आपने ये बात भी बता दी, वाह वाह, ऐसा कुछ नहीं है। उस जॉब से अनरिलेटेड है, जनरल डॉक्टर वाली बात है ये जो है ना, जनरल डॉक्टर वाला सीन है। बट मेरी बीवी जो है स्पेशलिस्ट है। तो बट फिर भी 50 सोचो नहीं आ रहे हैं। अब जब मैंने ये सुना था तो मेरे जो तो तास था ना कि हाँ भाई मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं कम कमाता हूँ, मैं बीवी से ज़्यादा कमा रहा था ये वो, मेरा ताज वो मतलब सर से निकल गया और बीवी के पास चला गया कि हाँ भाई वो ज़्यादा कमा रही है। लेकिन हम दोनों का पहले से डिसाइडेड है, तेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। तो हम दोनों एक दूसरे की इनकम में मतलब एक दूसरे के पैसों में नज़र नहीं मारते हैं। आई विश मैं मार लेता। बस यही नहीं, मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आपको एक और शॉकिंग बात बताऊंगा कोरियन कल्चर की, डॉक्टर से रिलेटेड। तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। वो बात ये है कि कोरिया में अगर आप किसी को बोलोगे ना कि मैं डॉक्टर हूँ, या मेरी बीवी डॉक्टर है, या मेरा पति डॉक्टर है, या मेरा बाप डॉक्टर है, या मेरी माँ डॉक्टर है, या मेरी बहन डॉक्टर है, या मेरा भाई डॉक्टर है, तो लोगों का रिएक्शन बताओ क्या होगा। कोरिया से बोले ना, इंडिया का रिएक्शन देख लेते हैं। आप बोलोगे ना मैं डॉक्टर हूँ, ओह वाओ वाओ ग्रेट। होता है ना कि एक भगवान होते हैं डॉक्टर, जिंदगी बचाते हैं। कोरिया में भी ऐसा सोचा जाता है, बट कोरिया का माइंड माइंड सेट ये है, कोरिया में क्लस्ते हैं।
बहुत लोग, सारे लोग नहीं खिलसते, बट बहुत लोग इसलिए खिलसते हैं क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रीमी लेयर है, मतलब नंबर वन है कमाने के। उसमें क्लास होती है ना कि हाँ भाई इंजीनियर कमाते हैं, डॉक्टर कमाते हैं, या फिर कौन कमाता है, डॉक्टर सबसे ज्यादा कमाते हैं। तो आप किसी को बोलोगे ना कोरिया में, तो वो ऐसे ही मतलब रिएक्शन देगा, अच्छा, मतलब थोड़ा सा कोल्ड सा उसके मन में चल रहा होगा, अच्छा बहुत कमा रहे हो तुम लोग। तो ये बात ना मुझे ज्यादा पता नहीं थी। तो मेरे एक भैया हैं जिन जो इंडियन है और उनकी वाइफ कोरियन है, तो उन्होंने बताया था कि कोरिया में अगर सिर्फ किसी को बोलेगा ना मेरी वाइफ कोरियन है, ओ डॉक्टर है, तो लोग ना थोड़ा किलसेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमाते हैं। और आप तो मेरा नेचर जानते हो, कोई किलसता है तो मैं और किलसाता हूँ। तो कोरिया में कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ भाई मेरी बीवी डॉक्टर है, बता क्या करेगा, क्या करेगा बता। एनीवेज अब एक और बात बताते हैं, मेरी बीवी ने बताया, जब मैं शॉक हो गया था, जब इतने पैसे मिले तो आई वॉज शॉक। तो मैंने बीवी से पूछा बहुत ज़्यादा है, तो मेरी बीवी कह रही जब ये एग्जाम उसका जो जनवरी में वो क्रॉस हो जाएगा, तो उसकी डेली जो इनकम होगी ना, डेली इनकम एज अ वर्कर, जॉब नहीं, अपना बिजनेस नहीं, एज अ वर्कर वो होगी 1.5 लाख, 1.5 लाख के आसपास डेली। बट वो डिपेंड करता है कि कौन से हॉस्पिटल में जा रही है। थिएटर में एक डायलॉग है ना कि हाँ भाई आप फेल होते तो दुख होता है, लेकिन आपका जो दोस्त है वो टॉप कर जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो वैसा सा थोड़ा सा मोमेंट मेरी लाइफ में भी उस टाइम आया था कि अब एक इक्वालिटी रहनी चाहिए ना। तो खैर कोई नहीं, पैसा घर में ही आ रहा है। तो गाइस आई होप मैंने ट्राई करा कि आपको ना सारी बातें बता दूं, क्योंकि मैं छुपाने में ना ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, जो है मन में है वो बोल देता हूँ। तो बहुत लोग पूछते थे पिछले लाइव में भी, बहुत लोगों ने पूछा था, किसी ने तो पूछा था हाँ। तो हियर इट इज, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू शेयर द वीडियो, एंड आई होप यू कमेंट इन द वीडियो। अगर आप कमेंट करते हैं रेगुलरली तो आई विल ऑफकोर्स गोना टेक योर नेम इन नेक्स्ट वीडियो। आपको एक बात बताऊं, जो ये मेरी ये जो हॉस्पिटल है जिसमें मेरी बीवी जॉब कर रही है अभी रिसेंटली पार्ट टाइम, उसकी जो ओनर है ना मेरी बीवी से यंग है, जूनियर थी, एंड उसके हॉस्पिटल में 6 डॉक्टर काम करते हैं और 5 डॉक्टर जो ना फुल टाइम काम करते हैं, उनकी सैलरी भी ज़्यादा है क्योंकि वो स्पेशलिस्ट उसी चीज़ में है। ठीक है, उनकी सैलरी होगी मेरे हिसाब से 1.25 लाख के आसपास एक दिन की। भाई आई एम इमेजिनिंग वो ओनर कितना कमा रही होगी भाई, लिटरली। और ये जो हॉस्पिटल है ना, ये ब्यूटी से रिलेटेड है, ब्यूटी मतलब आपको होता है ना ब्यूटी स्टैंडर्ड ऑफ इन साउथ कोरिया, उससे रिलेटेड है, मतलब लेजर या फिर नोज जॉब या फिर कुछ जॉब। मेरी बीबी तो नहीं कर सकती क्योंकि उसको नहीं आती सर्जरी करनी, लेकिन जो वो कर सकती है वो कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि हाँ भाई एक गांव में इतना ब्यूटी मतलब गजब का भाई, गजब है भाई, जय हो साउथ कोरिया। एनीवेज गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और मुझे बताना कि अगला जो कंटेंट है वो किस चीज़ पे बनाए, और मेरा जो नया चैनल है ना उस पर जाना मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लव यू एंड टेक केयर।